ये देख लो भाई, ये है बांद्रा वर्ली सीलिंग। और यहाँ पे देख लो कितना गंदगी है। ये देख लो यहाँ पर सफाई नहीं हो रहा भाई लोग। देख लो यहाँ पे वहाँ से वहाँ तक पूरा गंदगी दिखाई दे रहा है। एक जरा भी मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है यहाँ। मालूम है यहाँ पे कितना गंदगी आप लोगों को। देखो ये देखो ये देखो, और इस तरफ देखो भाई लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये कितना गंदगी। यहाँ पे चप्पल है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के बोतल है, यहाँ पे फॉर्म है। देख लो कितना गंदगी यहाँ। तो ये है मुंबई, और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे घूमने आते हैं। ये यहाँ पे नया नया ब्रिज बना है समुंदर के किनारे, इस वजह से भी यहाँ पे देख लो कितना सारा गंदगी है। कहीं पे तो इतना ज़्यादा साफ सुथरा है, और कहीं पे इतना ज़्यादा गंदगी कहना नहीं। ये है बैंड स्टैंड का नज़ारा। यहाँ पे पानी पूरी मिल जाती है आपको, और वड़ा पाव, और यहाँ पे और भी कई सारे नूडल्स है। ये नूडल्स है, ये मुंबई का नूडल्स। और ये है आनंद फास्ट फूड। ये बैंड स्टैंड का नज़ारा है, आपको दिखा रहा हूँ। ये बारिश की वजह से लोग बहुत कम आए हैं यहाँ पे। और ये इधर से जाता है केन रोड। देख लो ये केन रोड, इधर से ये केन रोड जाता है। केन रोड कहाँ है पता नहीं मेरे को। और यहाँ पे छोटा सा बैंड स्टैंड का पार्क है। देख लो ये पार्क है, यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं, झूले झूल सकते हैं बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सब मिल रहा है। देख सकते हो ये पानी मिल रहा है यहाँ पे। और ये है होटल ताज बैंड स्टैंड। और ये देखिए गैस, ये है बैंड स्टैंड पार्क बांद्रा। ये कुछ इस तरह से पार्क है। यहाँ पे बारिश की वजह से खाली है पार्क। एक दो कपल दिखाई दे रहे हैं आपको, देख सकते हो। चलो चलते हैं इसके बाहर। और ये सारा बैंड स्टैंड के बाहर का नज़ारा है। ये कैफ़े है, ये अभी बंद है शायद कुछ वजह से। और ये वही पार्क है जो मैंने बोला था, वो वाला पार्क। देख लो ये बैंड स्टैंड पार्क भी है। ये का खागा ए बी सी डी के जैसा बनाया हुआ पार्क। और इस तरफ में बिल्डिंग का काम चल रहा है। देखो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, जो कि साला इतना महंगा देता है ना यहाँ पे लोग। शाहरुख खान का घर है बोल के इतना महंगा देता है कि कहना नहीं। और इससे पहले भी एक दिन पहले अली भाई के साथ मैं आया था यहाँ पे, तो वो वाला वीडियो डाल दूंगा जहाँ जहाँ छूटेगा। क्योंकि बारिश की वजह से जो है समुंदर के किनारे जाने नहीं देता है यहाँ पे। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड छोड़ देते हैं और समुंदर से, क्योंकि एक दो हादसा हो चुका है, 4-5 लड़के डूब के मर चुके हैं, तो इस वजह से जाने नहीं देते हैं। तो पुराना वाला वीडियो डाल दूंगा, तो उसको देख लेना आप लोग। और ये देखो बैंड स्टैंड पार्क भी, जैसा कि बताया, बा ए बी बी का खा बा ऐसा कुछ करके। और ये कोई आश्रम है ये देखो। और इसके आगे चलते हैं, लेके चलते हैं आपको ताज होटल के ब्रांच में। बहुत शानदार होटल है, वहीं पे है जो हमारे किंग खान कभी कदार मीटिंग करते हैं। मेरे को कोई बताया, इसलिए आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। झमाझम बारिश में भींग रहा हूँ। ये देखो ये ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, जो भी बोल लो आप लोग। और ये रहा होटल ताज। ये देख लो भाई लोग, अभी नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये होटल ताज लैंड स्टैंड, ताज का ही ब्रांच है ये। बहुत बड़ा होटल है दोस्तों, बहुत बड़ा होटल है। सिर्फ पैसे वाले लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर। और यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ भी देख लो, मर्सिडीज और BMW और जितनी भी लग्जूरियस गाड़ी होती है ना, सारे यहाँ पे खड़े रहते हैं। और बाकी सब तो ये टैक्सी है। ये देखो वो एक मर्सिडीज जा रही है, ये देखो। और ये बिल्डिंग देखो, लेके चलता हूँ बैंड स्टैंड बांद्रा वर्सेस वर्ली सीलिंग की तरफ। देखता हूँ जाने देगा अगर गार्ड तो ठीक है, नहीं जाने देगा तो फिर वो पुराना वाला वीडियो किए हैं उसको डाल देंगे दोस्तों, आप लोग देख के उसी को खुश हो जाना। बांद्रा वर्सेस वर्ली लिंग सेलिंग के पास जाना है तो आप लोगों को सीधे बिल्कुल जाना होगा, सीधा 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 जाके इधर से एक रास्ता है दहिना की, दहिना जाता है जो, उधर मुड़ना होगा। सीधे भी जा सकते हैं, सीधा बन रहा है, अभी काम चल रहा है। देख लो यहाँ पे काम चल रहा है, सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन सीधा हो सके बंद है तो इस तरफ से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरफ से सीधे जाएंगे हम लोग। देख लो ये रास्ता है
बांद्रा वर्सेस वर्ली सीलिंग की ओर जाता है ये रास्ता। ये देख लो चौड़े चौड़े मार्बल लगे हैं रास्ते पे और सीढ़ी पे सीढ़ी है, अब इसको पूरा चढ़ेंगे और उसके बाद मस्त समंदर का नज़ारा। और वो जो नया ब्रिज बना है बांद्रा वर्ली सीलिंग, उसको दिखाते हैं। और यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। देखो रांची के हिसाब से मुंबई बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है दोस्तों। रांची को 100 साल लगेंगे मुंबई बनने में। मुंबई के लोग यहाँ रांची को गांव बोलते हैं, गांव बोलते हैं, गांव से आया मेरे को सब गांव गांव का बोल रहे हैं, बोल रहे देहाती है तू। इस टाइप के यहाँ पे लोग है। देख लो सीढ़ी, बारिश में भींग रहा हूँ, हल्की बारिश है इसलिए दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, देखता हूँ जाने देता है कि नहीं। तो इधर से आप दाहिना जाना है दोस्तों, अगर आपको बांद्रा वर्ली सीलिंग देखना है तो यहाँ से आपको दाहिना जाना है। और दाहिना जाते जाते जैसे जैसे रास्ता मिले उसी उसी हिसाब से जाइए और इत्मीनान से चलिए, क्योंकि बहुत फिसलन है यहाँ पे, बारिश हो रही है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है लेकिन फिर भी डर है फिसलने का, तो इसलिए आराम से चलिए। और देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, वहाँ पे देखिए समुंदर का नज़ारा और वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सब मेरे को कैसे पता है, मेरे को रास्ता कैसे दिखा हुआ है, क्योंकि मैं पहला दिन आ चुका था अली भाई के साथ, इस वजह से मेरे को ये सब पता है। और यहाँ पे देख लो भुट्टा मिल रहा है, कैसे दिए भाई, कैसे 40, ये देखो 40 रुपया भुट्टा दे रहा है भाई यहाँ पे। तो लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को नीचे और दिखाता हूँ नीचे में क्या है नज़ारा समंदर का। तो ये देखो भाई लोग, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और उस तरफ नीचे जाने के लिए आप लोगों को यहाँ से सीढ़ी मिलता है, यहाँ से सीढ़ी से जा सकते हो। मौसम बहुत भारी है, बारिश जो है ना बहुत ज़ोरदार हो रहा है। और यहाँ पे कपल आपको दिखना आम बात है, यहाँ पे बारिश की वजह से अभी भीड़ भाड़ नहीं है वरना बहुत भीड़ होता है। ये देख लो बहुत गंदगी, बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी भाई लोग, बहुत गंदगी। ठीक है यही है मुंबई, कहीं कहीं पर तो ऐसा साफ सफाई और कहीं कहीं पर तो ऐसा गंदगी कि कहना नहीं। ये देखो गार्ड नहीं है, हम लोग को आने मिल गया, शुक्र है, बहुत अच्छा बात है कि गार्ड नहीं है। देखो अभी भी यहाँ पे कुछ कुछ काम चल रहा है, कुछ ब्रिज बन रहा है, बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। ये देख लो भाई लोग अभी भी जो है बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, कुछ कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं, मस्त हवा चल रहा है समंदर का। और आगे अभी लेके चलते हैं, यही है, चलो चलता हूँ आगे, आगे दिखाता हूँ इधर से। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक ये देख लो, बारिश होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं ये सिर्फ सिर्फ देखने के लिए। ये काले काले पत्थर और ये ब्रिज, और ये ब्रिज कहाँ जाता है ये मेरे को पता नहीं है, जिसको भी पता हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं आगे और आगे दिखाता हूँ आगे है क्या। ठीक है तो मेरे साथ है दोस्तों बांद्रा के भाई लोग, इनका नाम है एजाज चौहान, एजाज चौहान, और इनका क्या नाम, आदिल खान, आदिल खान, आदिल खान और एजाज चौहान हमारे साथ है। और बांद्रा वर्ली सीलिंग में हम साथ में घूम रहे हैं, भाई लोग हमें मिल गए, बोले कि चलो क्या करते हो आप, तो मैंने बताया मेरा यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी मुंबई में, तो भाई हमारे साथ है, चलिए चलते हैं भाई लोग के साथ, घूमते हैं थोड़ा और दिखाते हैं आपको मस्त नज़ारा समंदर का। ठीक है चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पे मैं पहले ही दिन आया था अली भाई के साथ और यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी निकाली बहुत सारी। ये देखो यहाँ पे जो है पहला दिन में जब आया था यहाँ पे रस्सी रस्सी से छेका हुआ था और यहाँ पे एक गार्ड था जो कि हम लोग को मना कर रहा था जाने के लिए, लेकिन आज कोई गार्ड नहीं इसीलिए मैं बंधन को तोड़ के जा रहा हूँ अंदर और अंदर से जा के देखता हूँ क्या है। तो चलो चलते हैं। और ये देखो पहाड़ को काट के बनाया गया है, ये देख रहे हो भाई लोग ये पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है। समंदर का माँ कसम बता रहे बहुत गुस्सा में है समुंदर, पूरा उछाल मार रहा है, देखिए लहर एकदम बाम बाम कर रहा है, लहर एकदम ऐसा लग रहा है कि समंदर को कोई गुस्सा दिला दिया। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा नज़ारा है, जो आँख देख सकता है ना भाई लोग वो कैमरा नहीं दिखा सकता है। ठीक है तो यहाँ पे आओगे तो ही मज़ा आएगा, ऐसा वीडियो घर में देख के कोई फ़ायदा नहीं, निकलो बाहर घूमो फिरो जिंदगी का मजा लो,
वरना फिर कोई फायदा नहीं। पैसे तो सब कमाते हैं पर जिंदगी का मजा कोई नहीं ले पाता, तो जिंदगी का मजा लो, देख लो यहाँ से समुंदर की लहरें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो कितना मस्त नज़ारा है, देख लो। और अभी जो है ना हमारे चैनल पे सिर्फ मुंबई का वीडियो आएगा भाई, अभी जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा पूरा मुंबई एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद ही रांची जाऊँगा, ठीक है ना, तो बुरा नहीं मानना भाई। अरे ब्रिज के ठीक उस पार देख लो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बिल्कुल अमेरिका लग रहा है भाई, ये जो है ना बिल्कुल उसके ब्रिज के बाद अमेरिका लग रहा है बिल्कुल। तो लेके चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, कुछ दिखाई दे रहा है वो लेके चलता हूँ आगे मैं आप लोग को, क्या नज़ारा है ये देख लो, यहाँ पे एक किला टाइप का है कुछ, यहाँ पे क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। और ये मरीन ड्राइव वाला पत्थर यहाँ पे भी रखा हुआ है, 20-25 पीस रखा हुआ मात्र, ज़्यादा नहीं रखा हुआ। ओ यार यहाँ से समुंदर देखने का बात ही कुछ अलग है, माँ कसम बता रहे हैं ना। ये देखो लड़के लोग सब जो है ना फोटो खिंचा रहे हैं पत्थर पे खड़े हो, ये देखो। और ये देखो ये जो है इसमें सारे चील आसमान के ऊपर, मांदरा वर्ली सीलिंग, ये तो ब्रिज भाई उधर जा रहा है, देख सकते हो आप लोग दोस्तों ये ब्रिज जो है उस तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो वर्ली सीलिंग है जो ये बीच का किनारा जो समुंदर का किनारा है ये बहुत लंबा जा रहा है। और यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि कैसा है वर्ली सीलिंग, ये देखो आप लोग। और ये अभी उस तरफ से गेट था तो उस तरफ से बंद है, काम हो रहा है यहाँ पे, देख लो काम हो रहा है, क्योंकि ये कुछ चीन की दीवार के जैसा लग रहा है, कुछ चीन की दीवार के जैसा लग रहा है, ये देख लो ये पार्क टाइप बनाया है यहाँ पे बैठने के लिए और ये समुंदर का नज़ारा लेने के लिए, क्या मस्त नज़ारा है यार, ये देखो। अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ और आगे लेके चलता हूँ, ये गार्ड देखो, गार्ड वही गार्ड जो है ना हम लोगों को मना कर रहा था जाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे तो मान लो किसी तरह का कुछ हादसा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम तो हम ही लोग को। अब गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये देख लो कितना गंदगी है, ये देख लो, बस एक मिनट। यहाँ पे जो है अभी गार्ड साहब हम लोग को वापस भेज रहे हैं फिर से, अलाउ नहीं है बोल के, लेकिन वहाँ पे लोकल लोग हैं शायद जो मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे लोकल लोग हैं शायद मछली पकड़ रहे हैं, मछुआरा लोग हैं, लेकिन आम आदमी लोग को जो है ना वापस भेज रहा है। और देख लो कितना कचरा है भाई, बहुत गंदगी है यहाँ पे, साफ सफाई का ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है ये बन रहा है अभी इसलिए शायद, ये देख लो ये उस तरफ से उसका रास्ता है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो हम लोग को घूम के आना पड़ा पूरा। और ये देख लो कुछ इस तरह का बनाया गया है, और यहाँ गार्ड साहब सबको वापस भेज रहे हैं, चलो 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 चलो। और देख लो आसमान में किस तरह से चील उड़ रहे हैं, देख लो मस्त नज़ारा है दोस्तों, मस्त नज़ारा है, क्या मैं बोलूँ आपको, बहुत मस्त नज़ारा है। चलो चलते हैं वापस, ये देखो गार्ड साहब सीटी बजा रहे हैं और वापस सबको भेज रहे हैं। और ये देखो समंदर, फिर से बारिश चालू, मुंबई की बारिश परेशान कर देती है लोगों को, ये देखो क्या समंदर है, मस्त समंदर का नज़ारा है भाई। अब हम चलते हैं वापस और उसके बाद चलेंगे अपने रूम में माहिम, काफ़ी भीड़ था देख लो, लड़के बच्चे लड़के सब छोकरे लोग सब छोकरी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। ये देखो ये पहाड़ काट के बनाया मैंने जैसे बताया आप लोगों को, देख लो अब ब्रिज पे अभी भी काम चल ही रहा है। तो ये है दोस्तों 7:15 टाइमिंग, बांद्रा का नज़ारा समुंदर के किनारे, बांद्रा वर्ली लेक सीलिंग, बांद्रा वर्ली सीलिंग का नज़ारा। और उस साइड आप जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं दोस्तों, अभी बारिश होने वाली है, बादल काला किया हुआ है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो हम लोग भी चलते हैं घर, न तो भीग जाएंगे।